हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ग्रो विद टेक्निकली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर मैं आपके लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेके आया हूँ जो आपको मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। और दोस्तों, अगर आप मार्केट में सचमुच पैसा कमाना चाहते हो तो मेरी ये दो मिनट की बातें बिना स्किप किए सुन लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मार्केट में सचमुच पैसा कमाना है तो आपको इस मार्केट में कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी होगी। तो रूल नंबर वन, अगर दोस्तों आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो इमीडिएटली आपको स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर देना है। क्योंकि दोस्तों, उसके पीछे की वजह यह है कि मैं आपसे क्लियर बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कोई भी इंडिकेटर या प्राइस एक्शन का कोई भी ज्ञान 100% एक्यूरेट नहीं होता। उसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि मार्केट में जो इवेंट्स होते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ आती है मार्केट में, वो इन सारी चीज़ों को फेल कर देती है। तो आपके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत आवश्यक है। तो याद रखिए दोस्तों, जैसे ही आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो आपको आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली लगा देना है। रूल नंबर दो, दोस्तों आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट के साथ ही इस मार्केट में ट्रेडिंग करना है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। दोस्तों, सपोज कीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये है तो आपको एक ट्रेड में उस 1,00,000 का, उस कैपिटल का ओनली 10% ही यूज करना है। तो 1,00,000 का सपोज 10% 10,000 होता है तो आपको 10,000 रुपये ही एक ट्रेड में लगाना है दोस्तों। और उसके बाद जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को ही आपको लगाना है। यदि आप सोचोगे कि मैं 10,000 का ट्रेड में, एक ट्रेड में 10,000 रुपये लगा रहा हूँ और मुझे 1,000 या 2,000 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगाना अफोर्ड में कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है आपको उसी स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। यदि किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो आप ऐसे ट्रेड को अवॉइड कीजिए। जो स्टॉप लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप उस स्टॉप लॉस वाले ट्रेड को मत लीजिए। क्योंकि मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है कि आपके पास कितना कैपिटल है और आप कितना स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो। तो जितना, जिस ट्रेड में जितना स्टॉप लॉस बन रहा है आपको वही स्टॉप लॉस लगाना है, उसको आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। रूल नंबर थ्री, दोस्तों यदि आपने किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया और आपने उसमें टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, यदि कोई ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आप चाहे तो आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपके प्रॉफिट को लॉक कर सकते हो, पर जिस तरह आप पूरा स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करते हो उसी तरह आपको टारगेट हिट होने तक भी वेट करना है। और सपोज आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो आपको उस सूरत में आपको आपके एसएल को एडजस्ट नहीं करना है। जो आपने सोच समझ के एसएल रखा है, प्रॉपर एसएल रखा है रेजिस्टेंस के साथ, आप उसको आपको नहीं बढ़ाना है। क्योंकि वो ट्रेड यदि आपके अपोज में जा रहा है तो मार्केट में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ इवेंट्स आए हैं, कुछ फंडामेंटल न्यूज़ आई है जिसने आपके ट्रेड को फेल कर दिया है, तो आपको उसको एडजस्ट नहीं करना है। जिस तरह वो अपोजिट में गया है वो पूरी तरह से अपोज में जाएगा और उसमें उस ट्रेड में इतनी काबिलियत होती है कि वो आपके अच्छे कैपिटल को उड़ा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ दोस्तों आपको ट्रेडिंग करना है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, दुनिया में कोई भी प्राइस एक्शन का ज्ञान या कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता। यदि कोई इंडिकेटर 100% एक्यूरेट होता तो इंडिकेटर बनाने वाला आज कहां से कहां चला जाता दोस्तों। तो आपको किसी इंडिकेटर बनाने वाले को या इंडिकेटर देने वाले को आपको दोषी नहीं मानना है, आपको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ही काम करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो इंडिकेटर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सचमुच अच्छा काम करता है, खाली आपको कोई भी अर्ली एंट्री नहीं करना है, प्रॉपर एसएल के साथ काम करना है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में काम करना है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इंडिकेटर जो बताने वाला हूँ उसको किस तरह से लगाते हैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर जाना है और इंडिकेटर में आपको इस तरह से बी जॉर्गम इस तरह से आपको टाइप कर देना है। तो ये जब आप बी जॉर्गम टाइप करोगे तो बी जॉर्गम TSI इस इंडिकेटर को आपको आपकी चार्ट के ऊपर लगा लेना है। तो ये हो गया दोस्तों एक इंडिकेटर।
इसके बाद में इस स्ट्रैटेजी में हम दोस्तों तीन इंडिकेटर का यूज करते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा इंडिकेटर आप सब लोग जानते हो, वो है मूविंग एवरेज। आपको मूविंग एवरेज को भी लगा देना है चार्ट के ऊपर। और तीसरा इंडिकेटर दोस्तों अल्फा ट्रेंड, ये देखिए ये है अल्फा ट्रेंड। आपको इस तरह तीन इंडिकेटर को आपके चार्ट के ऊपर लगा देना है। अभी आपको कुछ सेटिंग्स करनी है दोस्तों। ये जो है बी जॉर्गम, इसकी सेटिंग्स में जाके आपको थोड़ा सा इसे चेंज करना है। ये जो लॉन्ग लेंथ है इसे आपको 50 कर देनी है, और ये जो शॉर्ट लेंथ है इसे आपको 10 कर देना है, और ओके कर देना है दोस्तों। ये हो गई एक सेटिंग। और एक और छोटी सी सेटिंग है दोस्तों, ये मूविंग एवरेज आपको 21 का लगाना है दोस्तों। ये वाइट बॉल 9 का लग जाता है, इसे आपको 21 कर देना है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे तीनों के तीनों इंडिकेटर चार्ट पर लग गए हैं। तो देखते हैं, और यदि आप इंट्राडे करते हो तो आप इसे 15 मिनट में यूज कर सकते हो, 15 मिनट या 5 मिनट में आप इसे यूज कर सकते हो। दोस्तों साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, तो उस वक्त आपको इसे अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों, इसकी बैक टेस्टिंग हम करते हैं, किसने किस तरह से काम किया है। ये मैं बैक निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अभी इस इंडिकेटर में आपको किस तरह से काम कर रहा है मैं आपको पहले बात बता दूँ। ये जो बी जॉर्गम इंडिकेटर दोस्तों, जब ये लाइन का क्रॉस ओवर होता है, ये नीचे देखिए, ये जब ये यहाँ पे देखिए, ये क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे। तो जब ये क्रॉस ओवर होता है, यदि ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस ओवर होता है, और बाद में आपका जो एरिया है ये इस तरह से रेड में या पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका सेल का ट्रेड लगभग आपको सेल सिग्नल मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको ये मूविंग एवरेज के नीचे आने का वेट करना है। जब भी प्राइस आपके, जब तक प्राइस आपके मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता, उस वक्त आपको ट्रेड को, मतलब ये आपका कन्फर्मेशन है दोस्तों। तो ये देखिए, आपकी तीन चीज़ फुलफिल होने चाहिए। पहला, ये क्रॉस ओवर होना चाहिए। दूसरा, प्राइस आपकी मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए। और तीसरा, आपको यहाँ पे सेल सिग्नल मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों कंडीशन हमारी इस कैंडल में फुलफिल हो गई दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पर यदि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते, ये देखिए यहाँ पे आपका इस ब्लैक लाइन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी तीनों की तीनों चीज़ें फुलफिल हो गई। या आपको सेल सिग्नल मिला, आपका प्राइस मूविंग एवरेज 21 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया, और आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मिल गया, और ये आपका एरिया बाद में रेड में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए दोस्तों, सपोज आपने निफ्टी को 17,700 के लेवल पे सेल किया होता, तो आपको आपका देखिए ये लगभग 17,350, मतलब 350 का आपको यहाँ पे टारगेट मिला है दोस्तों। और दोस्तों, इस सूरत में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका जस्ट रेजिस्टेंस है। तो ये यदि सपोज आपने 700 पे आपके ट्रेड को लिया है, तो आपका रेजिस्टेंस बनता है दोस्तों। उस सूरत में आपका ट्रेड 717,775, आप मोटा मोटा इसे 17,800 पकड़ लीजिए, और उस सूरत में आपका स्टॉप लॉस 18,000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, और आपका टारगेट बन रहा है दोस्तों, जब तक ये आपको क्रॉस ओवर नहीं हो जाता, या फिर आपका प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चला जाता, या फिर आपको ये बाय सिग्नल नहीं देता। और चाहे तो आप 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के साथ भी काम कर सकते हो। बेस्ट है आप 1:2 या 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में काम कीजिए। बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, ये प्राइस आपको मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, और यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल भी मिल गया। तो दोस्तों, ये वाली कैंडल देखिए, ये ग्रीन कैंडल, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल में आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ये क्रॉस ओवर हो गया, ये आपका जो रेड एरिया था ये लगभग स्काई ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और आपका प्राइस भी 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, और यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल भी मिल गया। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है दोस्तों 17,500
95 मतलब 17,600 के आसपास आपकी एंट्री बनती है और उस सूरत में आपका एसएल दोस्तों ये आपका एसएल होगा। ये 2G कैंडल का स्विंग लो, तो ये आपका एसएल हो गया दोस्तों। और आपका टारगेट अभी चाहे तो आप 1:1 या 1:2 के साथ जा सकते हो, नहीं तो फिर जब तक आपका प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं मिलता है, फिर आपको नेक्स्ट सेल का सिग्नल नहीं आता, आपके ट्रेड में बने रह सकते हो आपके स्टॉप लॉस को ट्रायल करके। ये हो गया दोस्तों दो चीज। अभी ये तीसरी बार यहाँ पे ये आपका क्रॉस ओवर हो गया, बाद में ये प्राइस आपका मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया और आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल गया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री लगभग यहाँ पे बनती है दोस्तों। ये हो गया आपका एसएल और आपकी एंट्री बन रही है लगभग इस पॉइंट इसके इस वाली कैंडल। तो देखिए यहाँ पे 17,550 पे आपको बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और वहाँ पे आपका एसएल है 17,400 का और आपका आप देख सकते हो कि 18,000 के आसपास आपका ये गया है। तो इस तरह से अभी तक तो फेलने हुआ। ये देखिए एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, तीनों ट्रेड में इसने पैसा कमा के दिया है। ये चौथा ट्रेड देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये क्रॉस ओवर हो गया, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चला गया, यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिल गया। तो सपोज यदि आपने यहाँ पे सेल किया है, इस सूरत में आपको यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है 18,134 के आसपास और ये देखिए धारदार यहाँ से नीचे गिरता चला जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए ये मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था, तो साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है दोस्तों। तो ये देखिए जब भी इस टाइप का जो एरिया बनता है मार्केट में, इसे आप साइडवेज मार्केट कहते हैं। यहाँ पे आपको बाय सेल के सारे ट्रेड आपको अवॉइड करना है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया और आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिल गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी इसने आपको सेल का सिग्नल दिया, लेकिन ज़्यादा लॉस में आप नहीं गए हो, पर ज़्यादा आपका पैसा बना नहीं। यहाँ पे भी देखिए आपको बाय का सिग्नल दिया, छोटा सा प्रॉफिट है। यहाँ पे आपका जो एंट्री बन रहा था वो लगभग 17,800 के आसपास था एंट्री, ये लगभग गया 18,200 पॉइंट और छोटा सा एसएल था 17,765 का। तो ये भी ट्रेड ठीक ही रहा। यहाँ पे देखिए ये भी अच्छा खासा ट्रेड है, आप देख सकते हो अभी तक तो ये फेल नहीं हुआ है। यहाँ से ये फिर देखिए इसने सेल का ट्रेड दिया, लॉस में नहीं है। यहाँ पे देखिए इसने बाय का ट्रेड दिया, पर दोस्तों सारी की सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए मतलब आप देख सकते हो मैक्सिमम इसने अच्छे खासे टारगेट दिए हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरह से काम करता है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया, ये चीज है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये जो एरिया रेड में कन्वर्ट हो गया, बाद में ये मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आ गया। ये देखिए आपका टारगेट, ज़बरदस्त टारगेट इसने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे फिर इसने बाय का सिग्नल दिया, ये आपका क्रॉस ओवर हो गया, एरिया कन्वर्ट हो गया ब्लू में, स्काई ब्लू में, आपका प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। ये देखिए कितना मस्त टारगेट दिया है। फिर यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिला है। यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, ये फिर आपको टारगेट मिला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इंडिकेटर कितने अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों आपसे एक और मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी मैं इंडिकेटर आपको बताता हूँ, आप उस इंडिकेटर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रेडिंग ना करें या बड़े बड़े लॉट लेकर एक ही दिन में आपके कैपिटल को डबल करने की कोशिश ना करें। जब भी मैं ही नहीं, आपको कोई भी यूट्यूबर कोई टिप्स देता है, कोई इंडिकेटर देता है, कोई प्राइजेशन का ज्ञान देता है, आप ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रेडिंग ना करें। आप उसके ऊपर कुछ पेपर वर्क करें, कुछ पेपर ट्रेडिंग करें, एक कम से कम एक हफ्ता उस इंडिकेटर के साथ आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट आपको कहाँ एंट्री लेनी है और इसका जो
रेशियो है, सक्सेस टू फेल का रेशियो कितना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और यदि आपको फिर ऐसा लगता है कि आप इस इंडिकेटर में पैसा कमा सकते हो, तो उसी वक्त दोस्तों आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही आपको ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इंडिकेटर फॉरेक्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है। और यदि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक छोड़ा है, आप उस लिंक के माध्यम से आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बाश।